के अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों। राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, आगरा जिला के अरसल अहमद को जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। सभी ने मिलकर आने वाले 2022 में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लिया। गुरु जी, आज यहां पर किस तरह का स्वागत किया जा रहा है? ये लोग कांग्रेस से जुड़े हमारे संघर्षशील साथी हैं। इनके कार्य, इनकी कार्य क्षमता, इनके संघर्ष को देखते हुए भाई अरसल भाई को जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं और इनकी नियुक्ति पर इन्हें बधाई देता हूं। भाई विकास पारस जी को भी सफाई मजदूर संघ ने जो जिम्मेदारी दी है, क्योंकि भाई विकास पारस समय समय पर सफाई कर्मचारियों की समस्या के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उनकी जो भी परेशानी हो उनमें शरीक होकर उनकी मदद करते हैं। इनकी संघर्ष और कार्य क्षमता को देखकर इन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका भी मैं स्वागत करता हूं और दोनों साथियों से ये उम्मीद करता हूं वे जो जिम्मेदारी उनके संगठन ने उनको दी है उसको तो बखूबी निभाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भी वो दिन रात एक करके संघर्ष करेंगे, क्योंकि एक कहावत है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। ये जवान लोग हैं, जिधर ये चलेंगे जमाना उधर चलेगा। मैं अरसल अहमद, जिला राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन से, जोर से दोनों। आज सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सम्मानित पदाधिकारियों का, शहर अध्यक्ष साहब का, अदर भारसी साहब का और आप सभी पत्रकार और छायाकारों का। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है हमारे संगठन के द्वारा, हम आज ये शपथ लेते हैं तहे दिल से और दिल की हर गहराई के साथ और अपने पूरे जोश जुनून के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये संगठन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है और गांधी जी के अहिंसकारी वादियों पर और जो नीतियाँ हैं उन पर चलने के लिए बनाया गया है। और जिस तरह से जो माहौल चल रहा है, आज देश के हालात खराब हुए जा रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार युवाओं को बेरोजगार करे जा रही है, गरीबों को और गरीब करे जा रही है। अरे ठीक है, कर रहे हो कर लो, लेकिन वक्त अब दूर नहीं। 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और युवाओं का जोर होगा। और आज की दर में जैसे कि मेरे गुरुजी ने कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो कांग्रेस भी युवा साथियों के साथ बहुत जोर से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी और हमेशा बढ़ती रहेगी। मैं अजर वारसी, अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ एवं महामंत्री एवं पुराना सदस्य शहर कांग्रेस कमेटी आगरा। आज हमारे बीच में छोटे भाई अरसल अहमद को राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया है और हमारे बीच में बैठे विकास पारस सामने देख के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ और महानगर अध्यक्ष आगरा अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस। जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ मैं लगातार कर्मचारियों के बीच में, मजदूरों के बीच में जा रहा हूँ। हमारी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नीति चल रही है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, दिनों रात काम कर रहे हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें